हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। एंड हाँ, मैंने फेस पे फिर से आज टमाटर रख दिया है, तो थोड़ा फेस का लुक कुछ इस तरह है। और यहाँ इस साइड पे पिंपल भी निकल आया है, वो एक्चुअली पिंपल एलर्जिक है। एंड हाँ, मैं क्या बताने जा रही थी, अब मेरा वर्कआउट का टाइम है तो मैं करूँगी वर्कआउट। एक चीज़ ये है कि मुझे अचानक से आज मैंने देखी कि मेरी एक वीडियो है जो मैंने आज अपलोड की थी, वहाँ पे कॉपीराइट क्लेम लगा हुआ था। शॉर्ट्स वीडियो है लिपसिंग का। एंड तो पिछले वाले जो शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाले हैं लिपसिंग का, तो सारे सब कुछ चेक किए, तो कुछ कुछ वीडियो पे भी कॉपीराइट क्लेम लगा हुआ था। एंड मैं म्यूट कर सकती थी, लेकिन ये लिपसिंग है तो वो भी डब म्यूज़िक तो अच्छा नहीं लगने वाला। दैट्स व्हाई मैंने वीडियो ही डिलीट कर ली, क्योंकि 2 हो या 3 हो या 12 हो, व्यूज़ कितना भी हो, जो भी है उससे जो म्यूजिक प्रोडक्शन है उसके पास प्रॉफिट चला जाएगा, तो मैं क्यों किसी को, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। हाँ, इसलिए मैंने डिलीट कर लिया। एंड वही तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये मैंने आज नोटिस किया है कि कॉपीराइट क्लेम लगा हुआ था। एक पे तो 55 व्यूज़ था। मेरे जैसे यो जो ब्लॉगर है, जो यूट्यूबर है, उसके लिए 55 व्यूज़ मीन्स बहुत, मतलब लोगों के जो 55K होते हैं, मेरे लिए 55 व्यूज़ से बहुत अहमियत रखता है। एंड फिर भी मैंने वीडियो डिलीट कर ली, कि इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं, कि थोड़ा सा तो मेहनत की ना मैंने लिपसिंग में भी, तो मेरा मेहनत का फल कहीं और ले ले। मैंने बस सॉन्ग यूज़ किया इसलिए, एंड दैट्स व्हाई मैंने डिलीट कर लिया। मैंने अच्छा किया या गलत किया, बुरा किया या क्या अच्छा क्या, मुझे इतना समझ नहीं है। जो मुझे ठीक लगा एंड सही लगा, जो मेरा मन किया वही मैंने कर दी। एंड टाटा, मिलते हैं वर्कआउट के बाद। एंड हबी अभी तक ऑफिस से आए नहीं है, क्या लाएंगे सब्जी पता नहीं। घर में बस भिंडी है जो मैं कल लाई थी, और लॉन्ग बीन है जो रेड वाला, वो दोपहर को पेज वाला जो अवंद्रो है, हम लोगों का ट्रेडिशनल होता है, वो बनाए विदाउट फर्मेंटेड फिश। एंड वही है, और देखते हैं रात का कुछ स्पेशल रेसिपी बनाऊंगी, तो मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। तब तक बाय। A few moments later. तो मैंने अपने वर्कआउट कंप्लीट कर ली है, अभी टाइम हो चुका है 7:13। मैंने ज़्यादा तो नहीं की, 30 मिनट से 35 मिनट से की होंगी आज डांस वर्कआउट की है मैंने। एंड अभी अभी भी आया नहीं है, मैंने कॉल किए थे तो उन्होंने बताया कि आ रहे हैं, और मैं तो वेज हूँ, वो लोग तो नहीं खा पाते वेज इतना, तो मैंने बोल दिया है कि कोई नॉन वेज चिकन फिश जो भी मिले ले आने के लिए। तो उन्होंने बताया कि लोकल चिकन ख़रीद लिया है, तो उसका ही मैं रेसिपी आज डालूंगी, ऐसा सोच रही हूँ। सिंपल रेसिपी होगी, तो मिलते हैं। 1 hour later. ओए, मैं वर्कआउट करने पानी पीने वाले थे, अभी आ गया होगा शायद। तम तू खा चिकन चिकन चिकन। अरे अरे, चिकन लाया चिकन लाया चिकन लाया, फ्रेश होंगे थे। आज बनेगा चिकन, एंड सिंपल वाला चिकन बनेगा। अभी मैं इसका जो प्रिपरेशन है वो करूँगी, उसके बाद रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। हाफ चिकन बनेगा, हाफ चिकन करी, एंड ये बनेगा हमारा ट्रेडिशनल तहन पेंजा, मीन्स चिकन सूप ही वो कह सकते हो आप लोग। इसके लिए हमें चाहिए होगी चिली, सॉल्ट, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, और इसको मिक्स कर लेने हैं। और फिर वाटर, उसके बाद इसको इसको लो फ्लेम, मीडियम फ्लेम में रखने हैं। मैंने पानी इसलिए ज़्यादा दिया है क्योंकि ये लोकल चिकन है, तो इसको कुक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसका ढक्कन थोड़ा इस तरह से रखना है और मीडियम फ्लेम में ही इसको रख देना है। तो मैं ये जो मिनी चॉपर ग्राइंडर व्हाटएवर, इससे जो मिर्ची है ऐसे
ब्रांड कर रही थी। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ कहाँ से निकल आया ये पता नहीं, अभी आएंगे तो पूछूंगी ये कहाँ से कैसे क्या निकल के आया, तो वो फिर से फिक्स करेंगे, मुझे तो फ़िलहाल नहीं आती फिक्स करना। सो हो गया है मेरा मिर्ची चुपिंग, चॉप हो गया है मिर्ची। देन अभी मैं अभी गए हैं नीचे पोटैटो लाने, नीचे दुकान है एक, तो तब तक मैं मसाला फ्राई कर लेती हूँ। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। टन टन, यह पक रहा है तोहटिंग जाक। पहले फ्राई कर लेने हैं पोटैटो। ओ ए चिल्लाओ मत, हमारी पोटैटो जो है फ्राई हो चुका है, तो अब करने हैं मसाला। मसाला भुनना है, फ्राई करना है, क्या बोलते हैं मसाले। इसमें हम डाल रहे हैं दालचीनी, दो इलायची, लौंग और ब्लैक पेपर। आओ छो मत चिल्लाओ रे पापा जी, ऐसे कैसे चलेगा। फिर यहाँ पे हमको डालने हैं बेल, इसका चिल्लाना थोड़ा कम हो इसलिए हम डाल देंगे सॉल्ट। तो अभी हम डालेंगे यहाँ पे क्या, ऑनियन। तो ये बन चुका है हमारा तोहन टेंग जार। मुझे अभी लेने हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, अचानक से सर चक्कर में लग गया, इशू हो रहा है कुछ दिन से। तो मैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स ले रही हूँ खाना बनाते बनाते। चीयर्स। आज हम सब बहुत रंग हिम रिखा है खाना। ओए खाना याद आ ये अरफुन थे बजा माथा गुरे जैसे खाई जैसी। तो जो मैंने डाली थी क्या है ऑनियन वो वगैरह, तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पे मैं अभी डालूँगी जीरा धनिया एंड टर्मरिक पाउडर पेस्ट। मीडियम फ्लेम में रखना है और इसको ढक के रख देना है। और ये मैं तवा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका लीड मैंने हाथ से पहले टूट गया ना। हाँ पहले तो हैंडल टूट चुका था एंड उसके बाद बिना हैंडल के ऐसे लीड इस्तेमाल कर रही थी तो हाथ से फिसल के टूट गया। इसका मतलब बहुत ही अच्छा खुशबू निकलता है इसका, मैं बता नहीं सकती, शायद वीडियो से अगर खुशबू में सेंड कर सकती देख सकती तो अच्छा होता, आप लोगों को वो भी मिल जाता। और बाहर है अंधेरा एंड यहाँ खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो अभी आ गए हैं यहाँ पे मुझे मदद करने के लिए क्योंकि मेरा सर चकरा रहा है बहुत ही अचानक, ठीक होने में टाइम लगेगा, 2-3 मिनट 5 मिनट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स ले ली है मैंने, यहाँ पे क्या मैच देख रहे हैं और यहाँ पे खर्चा चला रहे हैं। वाह वाह वाह, अच्छे से खर्चा वर्चा चलाने के बाद फिर से ढक देना है। तो अभी इसको मीडियम फ्लेम में रखना है। अभी जा चुके हैं किचन में, बाहर आ गई हूँ किचन से क्योंकि मुझे अभी रेस्ट करनी है और बाकी की रेसिपी सोड़ी में रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी एंड मैं दुखी हो गई हूँ अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे भी रेस्ट करनी है, तो अभी बनाएंगे कंप्लीट करेंगे आज का जो चिकन करी है विद पोटैटो। मिलते हैं।
तो मेरा सर चकराना ठीक हो गया है, तो मैं अभी आ गई हूँ किचन, क्योंकि मुझे रहा नहीं जा रहा था। मैं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी। अरे उनको आलोडी दिखना है। अभी डालने हैं पोटैटो। किचन मेरा स्वर्ग है, सुकून मिलते हैं यहाँ मुझे। अभी इसको फिर से ढकना है। ओके, टन 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 टन। मुझे किचन से भगा दिया गया है, मुझे किचन से भगा दिया गया है। और मैं अब जाऊंगी नहाने और रेसिपी इनकम्प्लीट। नहा धो लिया, खाना वाना कर लिया है, अभी हम जा रहे हैं सोने। सो तमो मेनू लहंगा ला दे महंगा। गुड नाइट छड़े, गुड नाइट, गुड नाइट छड़े, गुड नाइट। मेनू मेनू लहंगा ला दे महंगा जा मर जवानिया, इतने पैसे लेके कितने